वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू स्टूडेंट? आई थिंक एवरीवन इज फाइन देयर. टेक योर ईयर सेल्फ बेटा. क्लास कौन सी है आपकी? क्लास फर्स्ट. सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम इंग्लिश. इंग्लिश में आज हम क्या कर रहे हैं? यूज़ ऑफ दिस दैट. किसका यूज़ करना है, किसका उपयोग करना है? दिस या दैट का यूज़ करना है. हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है. दिस दिस मतलब क्या होता है? यह. This means यह और that means वह. पर किसके लिए यूज़ होता है? जो this है ये किसके लिए यूज़ होता है और that है ये किसके लिए यूज़ होता है? कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है? कोई भी एक वस्तु जो कि हमारे पास में है, एक वस्तु या कुछ भी, एक वस्तु हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, पर एक जो हमारे पास में हो, तो हम का क्या यूज़ करेंगे? दिस. क्या यूज़ करेंगे? दिस. जैसे कि ये मार्कर मेरे पास में क्या है? पास में है. क्या है? मार्कर है. तो मैं इसे कैसे बोलूँगी? दिस इज़ अ मार्कर. यानी यह एक मार्कर है. और इसी मार्कर को अगर मैं दूर कहीं रख देती हूँ और क्या बोलूँगी? दूर रख कर क्या बोलूँगी? दैट. दैट इज़ अ मार्कर. वह एक मार्कर है. दिस जो है पास की वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है और जो दैट है वह दूर की वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है. पर किसी भी एक, चाहे वो वस्तु हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स यानी कोई भी जीवित या अजीवित हो, पर एक हो, तो क्या यूज़ होता है? दिस या दैट. पर वो पास और दूर के डिस्टेंस का हमें शो करवाता है. ठीक है बेटा? अगर पास है तो क्या यूज़ होगा? दिस. और दूर है तो क्या यूज़ होगा? दैट. और बेटा हम जो पिक्चर बना रहे हैं, जो इस साइड में पिक्चर आती है नंबरिक के पास में, तो ये होती है पास की, यानी ये है हमारे पास में. और देखिए ये पिक्चर मेरे से दूर है तो क्या है? दैट. अब पिक्चर के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम दिस और दैट का यूज़ करेंगे. सबसे पहले देखेंगे पिक्चर. बेटा पिक्चर कहाँ है? हमसे दूर है. दूर है तो क्या यूज़ होगा? दैट. क्या यूज़ होगा? दैट. अब सेंटेंस को देखो. डैश इज़ अ फ्लावर. अ फ्लावर एक फ्लावर है. पर वो फ्लावर कहाँ है? हमसे दूर है. तो क्या यूज़ होगा यहाँ पर? दैट. टी एच ए टी दैट. ओके. अब क्या है बेटा? ये क्या है? कप. पर कप कहाँ है? हमारे पास में है. तो क्या यूज़ होगा? पास में है तो क्या यूज़ होगा? दिस. टी एच आई एस दिस. This is a cup. के पहले में हमने क्या यूज़ किया? That, क्योंकि वह हमसे दूर है. अब ये cup जो है हमारे पास में है, तो हमने क्या यूज़ किया? This. This पास के लिए और that दूर के लिए. This is a cup. A cup मतलब एक cup है. Next क्या है बेटा? Dash is a tree. एक tree है. पर वो tree कहाँ है? हमसे दूर है. कहाँ है? हमसे दूर है. तो क्या आएगा यहाँ पर? दूर के लिए क्या आएगा? दैट. क्या आएगा? दैट. दैट इज अ क्या आएगा? दैट. दैट इज अ ट्री. ओके. नेक्स्ट क्या है बेटा? बॉल. पर बॉल कहाँ है? हमारे पास में. तो क्या यूज़ होगा? पास के लिए क्या यूज़ होगा? क्या यूज़ होगा? दिस. टी एच आई एस दिस. दिस इज अ बॉल. बॉल कहाँ है? हमारे पास में है. तो क्या यूज होगा? दिस. और बॉल कितनी है? अ बॉल मतलब एक बॉल है. ओके. नेक्स्ट क्या है? डैश इज अ हट. क्या है ये हट? हट है. पर हट कहाँ है? हमसे दूर. और हट कितनी है? एक है. दूर है पर एक है. तो क्या होगा यहाँ पर यूज? दैट. क्या यूज होगा यहाँ पर? दैट. बेटा इस बात का आपने ध्यान रखना है, कोई भी एक वस्तु, एनिमल, पर्सन है, पर वो पास या दूर है, उसके अकॉर्डिंग दिस और दैट का यूज़ होगा.
कितने के लिए? एक के लिए सिर्फ। एक के लिए अगर पास है तो क्या यूज़ होगा? दिस। और एक के लिए अगर दूर है तो क्या यूज़ होगा? दैट। ओके बेटा, इस रूल को फॉलो करके आपने इस वर्क को कहाँ करना है? अपनी इंग्लिश की नोटबुक में कंप्लीट करना है, राइटिंग बहुत सुंदर करनी है और मैम को चेकिंग के लिए वर्क सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।